अब देखिए, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गरज मतलब ज़रूरत, तो उसके साथ में वो कुछ ना कुछ हमसे मतलब रखेगा, तो उससे हमको क्या होगा, लाभ ही लाभ। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। जिसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसके साथ रहना भी हमारा क्या है, कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यानी ऐसा समझाते जा रहे हैं उनके पिता, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी जो जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये क्या है, सब मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। किसको दिया, मुंशी वंशीधर को। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, यानी वे अपने पिता की बात मानते थे, आज्ञाकारी थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। ये सब बातें उन्होंने अपने पिता की सुनी और फिर घर से चले गए, चले। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि और अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन की ही अपना सहायक था। अब वो चल पड़े। अब बोलते हैं विस्तृत यानी बहुत बड़ा संसार है, उसमें उनके लिए धैर्य रखना, अच्छे मित्र बनाना, बुद्धि का प्रयोग करना, अपने पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यानी अपना अवलोकन खुद करना, ये सब क्या था, सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, यानी बोले कि शुभ घड़ी लेके चले थे कि अब अच्छा ही होगा। अपन भी कोई काम करने जाते हैं तो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग या फिर मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि मन में सकारात्मक चीज़ें रखो, है ना, अच्छा ही सोचो कि अच्छा ही होगा। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यानी अच्छे घड़ी से गए, अच्छे समय से गए कि जैसे ही गए, घर से निकले तो उनकी नौकरी लग गई। कौन सी नौकरी लग गई, दारोगा की, थानेदार की। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। यानी वेतन भी अच्छा मिलता था, पैसे भी अच्छे, और ऊपर से ऊपरी इनकम तो उसका कोई ठिकाना नहीं, सब तरफ से आता ही आता था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, है ना, तो फूले ना समाए। यानी बोला गया है कि जो मुंशी जी थे, मुंशी वंशीधर, उनको सुख संवाद मिला, अच्छी भाषा मिली, तो वो क्या हो गए, खुशी के मारे फूले ना समाए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार यानी होता शराब बनाने वाले, बेचने का धंधा करने वाले, है ना, कि आशा लता लहलाई। महाजन कुछ कम नरम पड़, कुछ नरम पड़ गए और इनके आते ही, और कलवार यानी क्या होता है, शराब बनाने में बेचने का धंधा करने वाले, ये जब क्या है सब, उनको कि उनकी आशा लता लहराई, यानी उनको भी अच्छा लगा कि अच्छा व्यक्ति आ गया है। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, यानी बोलते हैं कि जो पड़ोसी थे उनसे ईर्ष्या करने लगे कि इतना अच्छा पद इनको मिल गया है। अब आगे देखिए, जाड़े के दिन थे और रात का समय। अब उनके पिताजी ने उनको समझा दिए, अब वो नौकरी करने के लिए चले गए, अब अपने ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए ड्यूटी करते समय उनको क्या हो रहा है उनके साथ में। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे, है ना, सब क्या थे, ठंडी के दिन थे और सब मतलब सिपाही है, चौकीदार है, सब क्या थे, नशा करे हुए थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे। कितने महीने, 6 महीने हुए थे बस, उससे ज़्यादा नहीं हुए थे। लेकिन इस समय, इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था, है ना। यानी थोड़े से ही समय में क्या किया, अपने जो उत्तम मतलब अच्छे आचार से, आचार व्यवहार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन्हें चाहने लगे थे, अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी, यमुना जो है नदी बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए, किवाड़ मतलब होता दरवाजा बंद किए, मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी की प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। यानी बोले जैसे ही उनकी आँख खुली तो वैसे ही गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और मल्लाह यानी नाव चलाने वाले जो हैं उनका हल्ला, कोलाहल यानी होता हल्ला सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है, उन्होंने अपने मन में सोचा कि इतनी रात हुए गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही है, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है, है ना। गोलमाल का मतलब होता है गड़बड़। ये जितनी मीनिंग बुक में आते जा रही है बच्चों, आपको कॉपी में नोट करना है,
क्योंकि या फिर बुक में भी पेंसिल पकड़ के बैठिए आप लोग, और उसके बाद पेंसिल से जहाँ जहाँ हम जो चीज़ बताते जा रहे हैं उसको आपको नोट करते जाना है, क्योंकि अब बड़ी क्लास में चले गए तो हम कॉपी में तो नहीं लिखेंगे, है ना। और लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो पेंसिल रखो अपने हाथ में, और पेंसिल रखने के बाद जहाँ जहाँ हम कठिन शब्द आपको बताते जा रहे हैं आप बिल्कुल लिखते जाइए, ताकि दूसरी बार आप जब घर में पढ़ोगे तो क्या होगा कि वो सब चीज़ें आपसे बनने लगेगी, स्टोरी समझ में आई तो क्वेश्चन आंसर भी बनने लगेंगे। आगे देखिए, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी सोच रहे थे जो, तो वो जो उनका भ्रम था वो क्या हो गया, पुष्ट हो गया। वर्दी पहनी, वर्दी मतलब होता है यूनिफॉर्म पहनी। तमंचा जेब में रखा, तमंचा यानी पिस्तौल जेब में रखा, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे, है ना। गाड़ियों की, घोड़ा बढ़ाए मतलब होता है गाड़ी, है ना, गाड़ी पर बैठे और चल दिए, या उस समय घोड़ा चलता रहा होगा तो उसमें। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी, है ना, उनका जो मतलब तर्क लगा रहे थे वो सही निकला कि एक कतार, लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं, जोर से डांटा और पूछा किसकी गाड़ियां हैं। पेज पलट लीजिए, अब देखिए आगे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, यानी वहां पर शांति का वातावरण था। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, फुसफुसाहट हुई, है ना, लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बात करने लगे। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दीन की, जब उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं तो क्या बोले, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन, इन्होंने क्या पूछा कि कौन है वो पंडित आलोपी दीन, दातागंज के, तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया दातागंज के हैं वे, मुंशी बंसीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, कौन थे, सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, यानी सबको कर्जा देते थे, है ना। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे, अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, है ना, अंग्रेजों को भी वे अपने मेहमान बना लेते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था, मतलब हमेशा वो क्या करते थे, व्रत रखा करते थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी, उनसे पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी, उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया, उन्होंने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो फिर सन्नाटा छा गया, मतलब शांति छा गई, फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया, यानी जब बता नहीं रहे हैं तो वो जो मुंशी बंसीधर थे उनको फिर से संदेह हो गया कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सबके सब गूंगे हो गए हो, यानी बाट यानी होता प्रतीक्षा। उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की कि कोई बोलेगा, पर उन लोगों ने नहीं बोले, तो फिर उन्होंने जोर से बोला कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है, क्या चीज़ इस गाड़ियों में लदा हुआ है ना, रखा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। तो क्या किया, उन्होंने उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, बोरे में क्या रखा है, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे, है ना, नमक का व्यापार कर रहे थे, उसको चुपके चुपके ले जाते थे, तो क्या थे वे, नमक के ढेले थे। तो बच्चों आपको आज की स्टोरी समझ में आई होगी, अब आगे की स्टोरी जो है हम कल पढ़ेंगे। आपके लिए होमवर्क में है कि एक बार लेसन आप जरूर पढ़ो, भले ही 10-15 मिनट का समय निकालो, लेकिन आप इस लेसन को जरूर पढ़ो ताकि तुमको ये समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि जितने भी रिजल्ट आए हैं सब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने, जो कि गरीबी कंडीशन से पढ़े हैं, उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट करे हैं, वो क्यों, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी जरूर करते थे। तो आपको भी क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, लेकिन आपको अपने तरफ से एक बार घर में हिंदी की बुक तो ज़रूर पढ़ लेना है, ताकि वो कहानी आपको समझ में जाए। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, होमवर्क में रीडिंग करना है आपको। धन्यवाद।